सो हाय दोस्तों, ये मैं अपने मॉर्निंग के लिए, अपने बर्ड्स के लिए फूड रेडी कर रहा हूँ। इसमें मैंने मिलाया हूँ गेहूँ, चावल और साथ ही साथ में चना, और इसके साथ ही साथ में हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये उबाला हुआ एग। ये उबाला हुआ एग का एडवांटेज क्या है, ये गर्मी ठंडी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है और ज़्यादा हीटिंग देता है ब्रीडिंग के लिए। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये मैंने मिक्स किया और फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया। ये पानी डालने के बाद मैं 10 घंटे के लिए छोड़ दूंगा, 10 घंटे के लिए छोड़ दूंगा, मतलब मॉर्निंग तक ये फूड हमारा बर्ड्स के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये मैंने रख दिया हूँ, ये आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, अब ये ट्रिक हमको ना ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 3 बार देना है, उससे ज़्यादा नहीं देने का है, और अक्सर मॉर्निंग में ही देने का। मॉर्निंग में देने से पहले ना 4 घंटा पहले उनका नॉर्मल जो फूड्स है ना, जो आपके कॉलोनी में रखा रहेगा, वो निकाल लो। हाँ, उसके बाद 4 घंटे के बाद ये फूड उसको दो, बर्ड्स को दो, जिसकी वजह से ना वो भूखे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये खाएंगे। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है खाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इसको 4 घंटे के बाद, 4 घंटे तक सब कुछ निकाल देने का, भूखे रखने का, फिर ये चीज़ देने का, जिससे ना फास्ट ब्रीडिंग वगैरह होएगा और उनको हीटिंग और प्रोटीन की ज़रूरत होगी। और कल से दोस्तों ना, ये अभी 3 दिन के लिए था, ये 3 दिन स्टॉप किया, कल से हम लोग रोटी देंगे और हरी भाजियाँ, हरी सब्जियाँ देंगे। सो दोस्तों, थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो, और फूड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा फूड से रिलेटेड, क्या देना है क्या नहीं देने का ठंडी के सीज़न में। थैंक यू दोस्तों।